फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत कुमार और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि भूमि पूजा का चेकलिस्ट कैसे तैयार करते हैं। आपको जैसा कि पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है, भूमि पूजा मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट करने से पहले पूजा पाठ वगैरह होता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए जिस प्रोजेक्ट में ये काम होने जा रहा है। क्लाइंट क्या है लिख दीजिए उसका नाम, डॉक्यूमेंट नंबर, प्रोजेक्ट लोकेशन लिख दीजिए और यहाँ पे अपना लिख दीजिए LOA नंबर, ठीक। उसके बाद साइट, लोकेशन, डेट, थोड़ा बढ़िया लगेगा ये सब डालने के बाद। अब बात आती है क्या क्या अरेंजमेंट होती है। सबसे पहले बात करते हैं पहला नंबर, चेक साइट इज क्लीन इंक्लूडिंग। इसको थोड़ा सा सर्कल ले लेते हैं, ड्रा करके दिखाते हैं तो उससे आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, चेक साइट इज क्लीन इंक्लूडिंग रिमूवल ऑफ बुशेस रबिश जनरेटेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको चेक करना है कि साइट पूरा क्लियर है। इंक्लूड मतलब साथ में झाड़ियाँ और मलबा भी सब कुछ साफ़ है कि नहीं है। अगर ये सब कुछ सही है तो आप इस रो में, ठीक है, टिक लगा सकते हैं, इसमें एस टिक लगा देंगे, वरना नो, ठीक। अगर नॉट अप्लीकेबल है तो इस पे टिक, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की, सेकंड क्या दिया है, चेक इनविटेशन हैव बीन सेंड टू ऑल क्लाइंट्स। जितने भी क्लाइंट हैं इस प्रोजेक्ट में उनको इनविटेशन दिया गया है कि नहीं कि वो आए जिस दिन भूमि पूजन हो रहा है। तो हाँ, ऑफिस दिवस है कि इनको दिया गया होगा, तो यस। इसके बाद चेक तीसरा नंबर है, चेक फ्लेक्सिबल बैनर इंस्टॉल्ड और नॉट। बैनर वगैरह सब कुछ लगा है कि नहीं लगा है, अगर लगा है तो एस, ठीक है, नहीं लगा है तो नो, ठीक। इसके बाद चेक गार्लैंड ऑन फ्लैक्स, मतलब जो फ्लैक्स बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, कंपनी का, उसके ऊपर फूलों का माला लगा है कि नहीं लगा है, अगर ऐसा कुछ है या नहीं है तो नो या फिर एस, जिसमें आपको टिक लगाना है लगा लीजिए जिस साइट के हिसाब से। अगर ये सब अवेलेबल है तो यस, नहीं अवेलेबल है तो नो, ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग है अगर है तो। छठा नंबर क्या है, चेक साइट डायरेक्शन बोर्ड फिक्स और नॉट, ठीक है। तो ये छठा नंबर था, इसमें अगर फिक्स किए हैं डायरेक्शन बोर्ड तो आप यस करिए। ऑब्वियस सी बात है कि आप सेट किए होंगे, जैसे कि ये आपका मान लो सपोज ये पूरी साइट है, ठीक है, ये साइट है और ये मेन गेट है, ठीक, ये मेन गेट है और ये पूरी बड़ी साइट है, इसमें मान लो ये कोई अलग बिल्डिंग है, ये कोई अलग बिल्डिंग है, ऐसे करके है, ठीक है, ये सब बिल्डिंगें इसके अंदर बन रही हैं इस पूरे प्लाट एरिया में, ठीक है, और यहाँ पे कुछ है। तो यहाँ से जब आप एंट्री लेके आएंगे, इसमें जब एंट्री लेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सी बिल्डिंग है, तो यहाँ पे एक नेम प्लेट लगा होगा हर बिल्डिंग के सामने, जैसे कि इसका नाम है एक नंबर बिल्डिंग, ये दो नंबर बिल्डिंग, ठीक है, तो इनके सामने एक नेम प्लेट लग जाएगा, इसे करके एक बोर्ड लग जाएगा जिसमें लिखा रहेगा एक नंबर बिल्डिंग, दो नंबर बिल्डिंग, तो उससे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे हैं आप, ठीक है। इसी तरह सातवें नंबर की बात करें, चेक पंडा अरेंजमेंट आर डन विथ चेयर एंड टेबल, मतलब आपको चेक करना है कि पंडा का बकायदे अरेंजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है पंडित का, और चेयर टेबल सब कुछ सही है कि नहीं है, ठीक है, अगर है तो यस या नो आप कर सकते हैं। इसके बाद आठवां नंबर, चेक अरेंजमेंट फॉर रिफ्रेशमेंट हैड बीन मेड विथ द गुड कैटरर, ठीक है। तो आपको ये भी अरेंजमेंट करना है कि आप अच्छा जलपान की व्यवस्था कराएं, ठीक है, तो ये भी यस या नो में आप कराए हैं तो यस करिएगा, नहीं कराए हैं तो नो, ठीक। इसके बाद नौवां, चेक साइट एंट्री एंड बाउंड्री आउटलाइन मार्क विद चॉक पाउडर, चेक अरेंजमेंट गुड ब्रिक्स पूजा फोटोज वेसल्स एंड पूजा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी बाउंड्री लाइन का जितनी भी, मतलब ये पूरी बिल्डिंग है ये आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग है, इसमें आप चौक से ये बाउंड्री मार्किंग करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं ये भी आपको
देखना है, ठीक है? अगर है तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है भूमि पूजा में, आपको साइट की हर पल की फोटो आपको कैप्चर करनी ही करनी है, वीडियो भी बनानी है दिखाने के लिए कि हमारी भूमि पूजन इस दिन हुआ था और क्या क्या अरेंजमेंट था, ठीक है? तो ये सब आपको कर लेना है। इसके बाद 10वां नंबर आता है मटेरियल विथ प्रीएस्ट, मतलब सामग्री के साथ साथ, ये 10वें नंबर में ही था, पूजा मटेरियल विथ प्रीएस्ट, ये आपका 10वां नंबर नहीं है, ये इसी में है, पूजा के साथ साथ पुजारी के साथ साथ पूरी मटेरियल भी पूजा की हो, ठीक है? ये 10वां नंबर है, ये 11 नहीं, ये 10वां नंबर है और ये 11वां नंबर है, ठीक है? और ये 10वां नंबर है। इसमें क्या है, चेक अरेंजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट फोटोज एल्बम वाउचर डॉक्यूमेंट्स बुक एंड इंक्वायरी नोटबुक ISO सर्टिफिकेट एंड क्वालिटी पॉलिसी ETC, ये सब भी आपको चेक करना है। अगर भूमि पूजा में ये सब लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो नो। तो अभी फिलहाल इसका काम नहीं है तो ये नो में टिक हो जाएगा। चेक लाइट म्यूजिक अरेंजमेंट, तो भाई लाइट म्यूजिक का अरेंजमेंट हमको करना है तो यस, ठीक है? तो इस तरह से भूमि पूजन का सारा कार्यक्रम होता है और इसमें जो भी आपके साइट पे अवेलेबल है, जो आप करा रहे हैं, उसमें आपको टिक करना है, ठीक है? तो ये सब करने के बाद आप यहाँ पे अपना साइन कर सकते हैं, अप्रूव्ड कर सकते हैं, करा सकते हैं अपने इंजीनियर से कि ये सब कुछ हुआ था, ठीक है? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चेकलिस्ट लेकर।